व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, एक छोटी सी वीडियो है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। व्यूवर्स, आप लोग बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो चप्पल का या करना चाहते हो, तो आप कुछ चीज़ों का कुछ टिप्स मैं आपको वो दे रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखना। आप चप्पल भी बना लेते हो, आप सब सैंपल भी बना लेते हो, आप ऑर्डर भी रेडी कर लेते हो, सब कुछ रेडी कर लेते हो, लेकिन आप एक चीज़ देखो, अभी मुझे किसी ने बिल भेजा है बना करके बेचारे ने, और उसने कोई नया काम स्टार्ट किया, अब सादा बच्चे की स्कूल की कॉपी के ऊपर बिल बना करके वो भेज रहा है मुझे। अब इस तरह की कोई सादा स्कूल के बच्चे की कॉपी पे आप सोचो, कमर्शियल काम आप करने निकलोगे जब मार्केट में, तो आपको कौन ऑर्डर देगा और कौन आपके साथ कारोबार करना चाहेगा कि यार ये बंदा कब गायब हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा लेके चलो, विजिटिंग कार्ड और अपने बिलिंग का सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, सिस्टमेटिक करने की कोशिश करो, आप ऑर्डर बेस्ड हो चीज़ें, ताकि जब क्वांटिटी में आपके पास ऑर्डर और आपके पास बल्क में जब चीज़ें ऑर्डर आ रहे हों, तो आपका वो सिस्टम मैनेज हो जाए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपना लैपटॉप, अपने ये चीज़ें अपने साथ मैनेज कर लेता हूँ, कॉस्टिंग वगैरह। और मज़ीद एक और चीज़ आप लोगों को मैं इसमें, एक भाई ने मुझसे पूछा था, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, ये जो आपके सामने चप्पल पड़ी है, इसकी कॉस्टिंग उन्होंने पूछी कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जो, इसको सबसे पहले स्पेसिफाई करना है आपने, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको स्पेसिफाई करना है कि इसके अंदर इसकी क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। इसके अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर नेवाड़ वाला स्ट्रैप लगा हुआ है, इस स्ट्रैप को नेवाड़ स्ट्रैप कहते हैं, नेवाड़ स्ट्रैप लगा हुआ है स्ट्रैप। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर अपर शीट लगी हुई है 6 mm की अपर शीट, छः मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बीच में सेंटर शीट लगी हुई है, वाइट कलर की सेंटर शीट, उसके बाद इसके अंदर सोल शीट लगी हुई है, जो ये शीट है सोल की, उसके बाद इसके ऊपर ये रेगजिन, ये आपको स्टिच मिल जाता है, वरना आप खुद सिलवाना चाहेंगे, आपको स्टिच कॉस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर एम्बोजिंग हुई हुई है, एम्बोजिंग। इसके अलावा इसके अंदर और लेबर आपने ऐड करना है, फिर इसके अंदर आपने ट्रांसपोर्ट भी ऐड करना है। आप इसको, हो सकता है किसी भी शहर से आप इसका मटेरियल मंगा रहे हो, ऐसा भी होता है बाज आर्टिकल में कि उसका सोल कोई लाहौर से आया हुआ हो, सेंटर शीट फैसलाबाद से आई हो, ऊपर वाली शीट कहीं और से आई हो, क्योंकि आप कमर्शियल काम करने जा रहे हो, तो आप कमर्शियली अपना माइंड सेट थोड़ा सा डेवलप करो। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा एरोसॉफ्ट कंपनी की, कि उनका सोल इटली से आता है, उनके मटेरियल की कुछ ख़ास चीज़ें हैं, उनकी मशीनरी हो, वो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा अपने कॉस्टिंग के ऊपर, तो व्यूअर्स थोड़ा सा मोबाइल मेरा हिल रहा है, मैं खुद अकेला ही इसको मैनेज कर रहा हूँ अभी, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो नेवाड़ वाला स्ट्रैप इसके ऊपर लगा हुआ है, ये आपको तकरीबन 55 रुपये की कॉस्टिंग में मिल जाता है, अच्छी, अच्छे से अच्छा, और ऊपर क्वालिटी में आप जाएंगे तो आपको और भी अच्छा मिल जाएगा। इसमें अपर शीट इसके अंदर लगी हुई है 6 mm की, ये शीट आपको 1450 रुपये तक मिल जाती है 6 mm की, और इसके अंदर आप 750-600 रुपये से वाली शीटें भी मिलती हैं, उस पर थोड़े दाने होते हैं, उसको फिर आपने प्रिंट से कवर करना होता है, एम्बोजिंग वगैरह से कवर करना होता है। और इसके बाद जो इसमें ये सेंटर शीट लगी हुई है वाइट वाली, ये आपको मिल जाती है तकरीबन 600 से लेकर के 800 रुपीस तक, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल मैक्सिमम पे ही रखता हूँ 800 रुपीस पे। और सोल की जो शीट लगी हुई है, इसमें भी वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है 800 रुपये से लेकर के 1200-1300 रुपये तक की, तो मैं इसको स्टैंडर्ड 1350 रुपये रखता हूँ। एम्बोजिंग है, एम्बोजिंग के अंदर, एम्बोजिंग आप हमसे डाई लेकर के एम्बोजिंग की, वो आपको 4500 रुपये से लेकर के 6500-7000 रुपये तक की आप एम्बोजिंग की अपने डिज़ाइन की भी बनवा सकते हैं डाई हमसे। हम आपको आपकी मशीन के और डाइयों के हिसाब से कंपैटिबल आपको एम्बोजिंग का सिस्टम लगा करके भी दे सकते हैं। एम्बोजिंग के ऊपर आप इसकी कॉस्टिंग लगा लें, आप मैक्सिमम पे जाएं तो 5 रुपये लगा लें, और बाकी आपने अगर ये वाली चप्पल तैयार करनी है, तो आपने सबसे ख़ास ख्याल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्शन के दौरान अपने अपनी लेबर का ख्याल रखना है, क्योंकि उन्होंने ही इसको बनाना है, आपकी टीम ने। तो लेबर की जो कॉस्टिंग है, मैंने मैक्सिमम पे रखा हुआ है इसको 25 रुपये पे लेबर। इतना आप सोच रहे होंगे कि 25 रुपये लेबर को देंगे, 25 रुपये का मतलब है कि अगर आपने कोई 4 लेबर रखे हैं अपने पास, जो कि इसको डेली बैठ करके बना रहे हो, तो
डेली उसको बैठ करके बना रहे हो, तो 4 पे अगर आप 25 को डिवाइड करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग बनती है तकरीबन 6.25 रुपये फी लेबर। ठीक है, अब फर्ज करें कि 6.25 रुपये एक लेबर को, और अगर वो 100 जोड़े भी बनाता है तो 625 रुपये उसकी मजदूरी बनती है 100 पेयर एक मजदूर की। हालांकि ये 4 मजदूर मिलकर के इस प्रोजेक्ट को आपको पूरा करके दे रहे होंगे रोज़ाना। अच्छा, तो ये 25 रुपये की कहानी है। ये 25 रुपये मैंने लेबर लगाया, ट्रांसपोर्ट पे भी आप इस पर 10 रुपये ऐड कर लें, ये भी आप मैक्सिमम पे। उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करूँगा फार्मूले से, तो ये मुझे इसका प्राइस स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ओ ये तो शीट की कॉस्टिंग है। ठीक है, अब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। इसको मैं स्पेसिफाई करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका क्या अमाउंट बनेगा। व्यूअर्स, इसके स्ट्रैप की कीमत 55 रुपये, अपर शीट आपने जो ख़रीदा 1450 रुपये का, उसमें से तकरीबन आपके 35 जोड़े निकलेंगे। 1450 को आपने डिवाइड कर देना है 35 जोड़े से, सॉरी 1450 को आपने डिवाइड करना है 35 से, तो 41 रुपये का जो है इसकी अपर शीट आपको पड़ती है। और सेंटर शीट है, इसको भी आपने डिवाइड करना है 35 से, 35 जोड़े इस सेंटर शीट में भी निकलते हैं। और सोल की जो शीट है 1350 रुपये की, इसमें तकरीबन 22 से 23 जोड़े निकलते हैं, मैं इसको 22 फिट करता हूँ डिवाइड, तो ये 61 रुपये का। एम्बोजिंग की कॉस्ट आपको 5 रुपये पड़ रही है, लेबर की आपको 25 रुपये पड़ रही है, और ट्रांसपोर्ट पे 10 रुपये पड़ रही है। तो अब हम इस सबको जब जमा करेंगे ये सारों को, तो इसकी कॉस्टिंग आपके सामने आ जाएगी टोटल 220 रुपये की कॉस्टिंग में ये आपका पेयर तैयार होएगा, ये वाली चप्पल का। कलर इसमें आप जो मर्जी चाहे तैयार कर सकते हैं, स्टिकर आप इसमें जो मर्जी लगाना चाहें लगा लें। इसकी रिटेल प्राइस भी हम आपको चेक करके इस पर अभी कंफर्म कर देते हैं कि इसकी आजकल रिटेल प्राइस आपको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, दराज पे चले जाएं, दराज की वेबसाइट पे darazpk.com, और उस पर आप जा कर के आसानी से आप इसकी प्राइस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इस पर जा कर के आपने लिखना है हवाई चप्पल, हवाई चप्पल, तो आप इसमें घर बैठे ही देख सकते हैं कि आजकल चप्पलों की क्या प्राइजेस चल रही है मार्केट में। हवाई चप्पल की इसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें इससे मिलता जुलता मॉडल, इसको आप हाई ग्रेड सोल के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। 999, 399, 699, फिर इसके अलावा और आप इसको अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे तो 750 रुपये तक की भी चप्पलें हैं मार्केट में, 480, 650। अच्छा, इस तरह की चप्पल भी आपको 999 इतने की ये रिटेल मार्केट है। तो आप कमर्शियली काम करें तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से और इन तरह की चीज़ों से। कमांडो चप्पल आप भी आप देख लें इसका रेट daraz.com पे, 599 रुपीज़ इसका चल रहा है रेट, और 119 रुपये इस पर अप्लाई भी होते हैं डिलीवरी के। तो ये उन लोग जो ख़रीदते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा सेल है कमांडो चप्पल की। फिर उसके अलावा मैं आपको इस तरह की चप्पल नेपाल वाली चप्पल आपको इस पर दिखाता हूँ उसकी क्या प्राइजेज हैं। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में भी, दराज की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ये व्यूअर्स इसमें ये देख दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, 699 रुपीज़ इसकी दराज पे इसकी वैल्यू है। और किसी गांव देहात में भी जाएंगे तो ये 450 से 450 कम में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रैप वाली चप्पल का रेट ही 399 और 400 तक पहुंच गया है। तो ये आपको मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा,
कि इस तरह की इम्बोजिंग वाली चप्पल आपकी 1600 रुपये 1500 रुपये में भी रिटेल में बिक जाती है। तो अच्छा अच्छा बिजनेस है, अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इसमें करके आप इसको कर सकते हैं स्टार्ट घर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।